जी दस्तक दे चुकी है काफी जोरों शोरों में, आउटडोर शूट्स भी होते हैं, तो कितनी जी दिक्कतें होती हैं आपको शूट्स करने में? देखिए, ऐसा है कि जब आप ऐसे शोज़ करते हैं जहाँ मैक्सिमम काम आउटडोर हो और बहुत भागना हो, दौड़ना हो, घुड़सवारी हो, तलवारबाजी हो, तो ऐसे में जो है बारिश कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। हालांकि मुझे बारिशें बहुत पसंद हैं, मानसून जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक सब ये जान अभी जान चुके होंगे जितने हमारे मीडिया वाले साथी हैं, क्योंकि जब भी वे पूछते हैं मुझे मानसून के बारे में तो मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है, जैसे अजब दे के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तो आई थिंक हाँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है बारिशों में। आई थिंक वो ड्राइव पे जाना और ऐसे ही मतलब पैदल चलना, वॉक करना, बारिशों में भीगना, तो आई थिंक वो एक उसका अलग ही मज़ा है। लेकिन अभी जो है फिलहाल थोड़ी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि हम आउटडोर शूट नहीं कर पा रहे हैं, घुड़सवारी नहीं हो पा रही है ज़्यादा, थोड़ी बहुत कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है प्रोडक्शन को और हम सबको जो है थोड़ी जो प्रॉब्लम्स जो हैं जो क्रिएट होती हैं उन्हें हमें थोड़ा संभाल कर आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा शरद, कभी लॉन्ग ड्राइव तो हमने कार जी वगैरह में या बाइक पे हो जी होती है कर लेते हैं, कभी ये ट्राई किया? मतलब अभी तो शरद जो है महाराणा प्रताप चेतक पे मैंने यहाँ एक एक चेतक पे लंबे लंबी बसा राइड पर है। जाऊं, मेरा बहुत मन है कि मैं चेतक को लेकर एक लंबी राइड पर जाऊं, बहुत ज़्यादा मन है। देखते हैं, अभी आपने अच्छा एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया दिया है मुझे। बहुत आई थिंक शीघ्र ही जो है इसका इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। बस देखना है कि मैं इसे कहाँ दौड़ाऊँ, क्योंकि फिल्म सिटी में जो है अभी ज़्यादा जो है स्पेस चाहिए, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, बिकॉज चेतक के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, क्योंकि वो भागता बहुत तेज़ है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि उसे मैं कहीं दूर लेकर जाऊँ, जहाँ पे मैं उसे खुले मैदान में बारिश में दौड़ा सकूं, जो मेरा बहुत मन कर रहा है। ऐसे ही काफी जुड़े हुए हैं जी शरद चेतक से, जी और अब बरसात में काफी एक्साइटेड लग रहे हैं उनकी जी बातों से। जी बिल्कुल। जी हाँ, मैं जैसे मैंने आपसे कहा, मतलब मानसून में हर साल वेट करता हूँ कि बारिशें कब आएँ, क्योंकि मैं रहता हूँ बीच के पास रहता हूँ, और उसका अलग ही मज़ा है कि आप बीच पर जाएं, अब बारिश हो रही हो और आप उसका जो है आनंद लें। गरम गरम पकौड़े हो गए, चाय हो गए, भुट्टे हो गए। खैर, पकौड़े जो हैं अभी बहुत सालों से मुझे जो है मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि एक एक्टर हैं तो आपको अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मगर चाय, कॉफ़ी और गरम गरम भुट्टे, ये सब तो डेफिनेटली मैं इसका जो है बहुत जो है लुत्फ़ उठाता हूँ। तो इस साल भी वेट कर रहा हूँ कि कौन जो है सबसे पहले मुझे भुट्टा खिलाएगा आप लोग में से। If I move to your audience. एंड टू ऑल द व्यूअर्स, हमेशा की तरह प्लीज़ आप लोग देखते रहिए महाराणा प्रताप। ये शो मेरे दिल के बहुत करीब है। इससे मैंने मतलब बाकायदा जिया है, 8 महीने हो गए हैं अब। और जब पहले दिन मैंने शुरू किया था तब भी आप लोग थे, तब भी आप यहीं बैठी हुई थी, और आज 8 महीने हो गए हैं, आप लोग आज भी हमारे साथ हैं और व्यूअर्स भी हमारे साथ हैं। और मैं क्या कहूँ, आई थिंक ये मेरा दूसरा शो है जीवन का, और आप लोग ने हमेशा मुझे इतना प्यार दिया है। बस आप लोग देखते रहिए, और आई थिंक मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इस बड़े शो का हिस्सा हूँ, और एक महाराणा प्रताप जैसे एक इतने महान किरदार को निभाने का मुझे अवसर मिला। सो आई थिंक वेरी लकी, एंड या सो प्लीज़ कीप वॉचिंग भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। आई लव यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू, आपने आइडिया दे दिया।